और एक और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, इस वक्त की एक और बड़ी खबर वो भी आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की, सदन में विपक्ष का हंगामा। हिमाचल प्रदेश से इस वक्त की बड़ी जानकारी, नेता प्रतिपक्ष ने आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा करने की मांग की थी। मामले पर सीएम सुक्खू ने अब अपना स्टेटमेंट जारी किया है। मामला शुक्रवार के लिए लिस्ट हुआ, विपक्ष ने असंतोष जताया, ये कहना है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया, असंतोष जता के विपक्ष ने वॉकआउट किया। जयराम ठाकुर ने बयान दिया इसी पर, प्रदेश की आर्थिक स्थिति खराब है। जो है वो हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देख करके चिंतित है और हम सब लोग भी उसमें शामिल हैं। मैं हैरान हो रहा हूं मुख्यमंत्री के बार बार इस तरह के वक्तव्य से। सुबह कहते हैं कि प्रदेश बहुत गंभीर आर्थिक संकट के दौर में से गुजर रहा है और शाम को कहते हैं कि आर्थिक संकट है नहीं, हम जो है हिमाचल प्रदेश में फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने उन्हें पॉइंट ऑफ ऑर्डर जब अध्यक्ष महोदय जी से पूछा कि हमने 67 नियम 67 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव दिया था विधानसभा के अंदर, क्योंकि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, कर्मचारियों के अलावा पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिली। आज सितंबर की 4 तारीख बीत गई है, इस पर मुख्यमंत्री जवाब देने के लिए खड़े हुए, पहले कहने लगे मैं जवाब देना चाह रहा हूं और बाद में कह रहे हैं कि मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं। हैरानी इस बात को लेकर के है कि 2 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का होने जा रहा है, अभी भी जो भी जहां इनकी विफलता होती है, नाकामयाबी होती है, वहां दोष पूर्व सरकार को दिया जाता है और केंद्र सरकार को दिया जाता है।